पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं इसी लड़की के साथ 4 बार हार चुकी हूँ अभी तक, तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंज था कि मैं खुद को कैसे प्रूफ करूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरे को प्रूफ करके दिखाना है, मैं खुद को सोचा था कि मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है कि मतलब यही मौका है, मैं 4 बार हारने का मतलब बहुत बदला यहीं पे ले सकती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से, कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बना के जाने से वहाँ पे ओपोनेंट उसको पकड़ सकते हैं, तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। मेरा सभी जो भी होगा वहीं पे मैं देखूंगी और वहीं पे हर सिचुएशन को हैंडल करूंगी, ऐसे सोच के ही गई थी। और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खेल के बहुत मज़ा आया, खुल के खेल रही थी मैं। पहली बात तो अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उतने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उतने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था, और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था मैं। पहले ऐसा नहीं थी, मतलब कुछ कंपटीशन में भी मैं इतना मतलब डर डर के ही खेलती थी। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ बॉक्सिंग में आने के बाद। लेकिन बॉक्सिंग में, रिंग में उठने से पहले भी मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब से मैं खुद के ऊपर विश्वास करने लगी, खुद को विश्वास करने लगी, लोग जो भी कहे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तब से मैं फेयरलेस खेलने लगी। कोविड के वजह से मुझे एक तो पहला मेरा इटली का टूर था, वो भी मुझे मिस हुआ, और मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत कम मिल रहा था क्योंकि कोविड के वजह से भी, और कोविड के वजह से कंपटीशन बहुत कम ही हो रहे थे, और मुझे कोविड हुआ इसलिए मतलब एक कंपटीशन तो मैंने मिस ही कर दिया। एक इटली का टूर था और एक एक कॉम्पिटिशन मैंने मिस किया, तो मैंने रिंग का जो कंपटीशन का फीलिंग है वो बहुत कम मिल रहे थे मुझे, इसलिए मुझे स्पायरिंग की ज़रूरत थी। कोविड के वजह से बहुत स्पायरिंग भी बहुत कम होते थे, तो लेकिन मैंने सोचा कि अगर स्पायरिंग नहीं हो रहा है तो मैं उसको कैसे दूसरे तरफ से ठीक कर सकती हूँ, और उसी तरह मैंने ट्रेनिंग किया, और हमारे कोचिस ने और मेरा सब सबके हेल्प के वजह से ही अच्छा कर पाई। बॉक्सिंग में आने के बाद बस मेरी दीदी का ही नाम सुना है, तो और इतना स्ट्रगल उनके लाइफ में, तो वो सब भी देखा है और उनके बारे में इतना सुना है, वो साथ में ही हमारी ट्रेनिंग करता है, तो बहुत अच्छा लगता है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि हम उसके साथ खेलने, वो हमारे साथ है यहाँ पे। Hello everyone. Now that our Indian athletes have started their Olympics journey with a bang, we want you, our fans, to engage with us with this mega sporting event. Follow a few simple steps and stand a chance to win an Olympics jersey for yourself. Let's all cheer for our Indian contingent at the Tokyo Olympics 2020. For more details, check out the description box below.